Hello friends, this observation and coefficient of liquid. तो इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, जैसे ये photosell है, ये जो बीकर है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे हमको जो सोर्स है लाइट का, ये इस साइड है ऊपर की साइड, तो वो चालू करेंगे तो इसमें क्या होगा कि रीडिंग अपना डिफरेंट आएगा। अब इसका क्या उपयोग होता है, तो फर्स्ट टाइम हमको इसको एम्प्टी रख कर, यानी कि खाली रख कर रीडिंग लेना है, और जो माइक्रोमीटर है उसको 2 पे सेट कर देना है, 2000 पे। ठीक है, तो अब लिस्ट अपन चार्ज कर चालू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये 611 कितना, तो इसको इस रीडिंग को हम यहाँ पे कितना था, 612, ये सबके लिए आ जाएगा इधर ऑब्जर्वेशन टेबल में। अब हाइट ऑफ लिक्विड एक्स, तो हमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0.5, 0.2, 0.3, 0.5, 0.2, 0.3, 0.1.5, ये जो डिफरेंट डिस्टेंस दिया है तो उतना, यानी कि 0.5 हमको लिक्विड बनना है। क्या, तो वो है KMnO4। हम इसकी मदद से यहाँ पे लिख देते हैं हम 0.5, देन कितना रीडिंग था, 340। ठीक है, क्रमश उसी तरह से जब हम उसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, सेम इसी तरह 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, देन 5, ओके। तो इसमें टोटल 10 रीडिंग लेने हैं। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल में से जो रीडिंग है, यानी कि माइक्रोमीटर का रिफ्लेक्शन है, वो कम घटता आएगा, यानी कि 200, 119, 183, then 1, डिफरेंट लाइक दिस घटाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लॉग थीटा है, तो यहाँ पे लॉग थीटा 0 ये वाला लेना है, उसके बाद थीटा, तो इसको क्या करना है, तो कैलकुलेशन में, साइंटिफिक कैलकुलेशन में लॉग काउंट्स में थीटा 0 बाय थीटा इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा। देन इधर लॉग थीटा करना है, ये तो आपको कैलकुलेशन करना ही आता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसके बढ़ने के साथ, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ थीटा की जो वैल्यू है वो घटती जाती है, क्या आती है, घटती, यानी कि क्रम होती जाती है। तो यहाँ पे आप ग्राफ सकते देख सकते हो कि जो लॉग थीटा 0 थीटा देन वर्सेस एक्स, यानी कि इसका हम जैसे ग्राफ दौड़ेंगे तो क्रम इस तरह से आपका मूल्य आएगा। सेम उसी तरह से ये जो लॉग थीटा है उसका मूल्य कितना है, तो कि घटता आएगा, यानी कि ये ग्राफ है लॉग थीटा वर्सेस एक्स का, तो इस तरह से अपना वो ग्राफ आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।